So we are going to start the properties of charge, basically more appropriately bolu to fundamental properties of charge. This topic is all about what are the fundamental properties. So bahut sari ho sakti hai, kaun si properties dekhne iski, basic properties bolo ya fundamental properties bolo, unke bare mein baat kar rahe hain. There are three fundamental properties of charge. First, additivity of charge. Second, quantization of charge. And third, conservation of charge. One by one, we'll learn what are these three properties. So first, additivity of charge. What do we understand by the property additivity of charge? Additivity of charge का ये property ये बोलती है कि किसी भी isolated system के अंदर जो भी charge है या जो भी आपको charge दे रखा है उसको आप directly add कर सकते हो या subtract कर सकते हो according to the simple algebraic rules. For example, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये कोई system है, system के अंदर प्लस क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर प्लस क्यू फाइव माइनस क्यू सिक्स माइनस क्यू सेवन प्लस क्यू एट माइनस क्यू नाइन माइनस क्यू टेन, ये अगर चार्जेस दे रखे सो व्हाट मस्ट बी द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम. तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये बोलती है कि किसी भी सिस्टम का अगर टोटल चार्ज काउंट करना है तो उनको आप सिंपली एल्जेब्रिक रूल से ऐड कर दीजिए. जो प्लस है वो प्लस हो जाएगा और जो माइनस है वो माइनस हो जाएगा. सो ऑल चार्जेस कैन बी एडेड डायरेक्टली बाय सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स. सो ये हो गया, मैंने एक बार सभी को प्लस ही किया है, जो माइनस वाले हैं उनको भी प्लस करके माइनस साइन अंदर रख दिया है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इनको एडिटिविटी का मतलब एड कैसे कर रहे हैं. So the all charges can be added directly by the simple algebraic rules. So जो plus है तो plus into minus minus हो जाएगा finally. तो बात वही हो जाएगी कि जो add होना है वो add हो जाएंगे, जो subtract होना है subtract हो जाएंगे. एक numerical value लेकर के इसको समझ लेते हैं. Plus का 3 कूलम है, minus का 20 कूलम है, plus का 18 कूलम है, minus का 7 कूलम है, plus का 6 कूलम है, minus का 4 कूलम है. तो बताइए कि टोटल चार्ज कितना होगा. तो क्यू टोटल क्या करना है, ये एक तरह से क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव क्यू सिक्स, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव क्यू सिक्स. तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलती है कि द टोटल चार्ज विल बी द डायरेक्ट सम ऑफ डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल गिवन चार्जेस. तो ये मैंने डायरेक्ट सम कर दिया, अब जो की वन की वैल्यू वो सब्सटीट्यूट कर दो, प्लस का 3 माइनस का 20 प्लस का 18 माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का 4. तो बेटर ये होगा कि आप प्लस प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लें, माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लें. तो 18 19 20 21 एंड 6 27 माइनस 20 माइनस 27 माइनस 4 माइनस 31 माइनस 4 कॉलम विल बी द आंसर. सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट. सो दिस इज कॉल्ड द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. ठीक, सो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम कैन बी एडेड डायरेक्टली बाय सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स. इफ द सिस्टम कंटेन्स एन चार्जेस then the total charge of that system will be given by q1 plus q2 plus q3 so on up to qn. ठीक है, this is called the additivity of charge. अब कितनों को ये वाली property समझ में आ गई. so next property है quantization of charges. ठीक है, इसको लिखने से पहले एक वर्ड को समझते हैं साहब, क्वांटा. व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटा या क्वांटम. तो क्वांटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटा. क्वांटा का मतलब
कोई बता सकता है क्या मुझे? पहले आप में से मैं पूछना चाहता हूँ, एनीबडी वॉन्ट्स टू टेल मी? सो क्वांटा का मतलब होता है वो छोटी से छोटी चीज किसी भी एक्स वाई जेड क्वांटिटी के लिए जिसको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि भाई मेरे पास इस टाइम पर मुझे चेयर्स को ट्रांसफर करना है, तो ये मेरे पास टू चेयर्स दिख रही हैं, टू चेयर्स. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी मान लीजिए बहुत सारी चेयर्स पड़ी हुई, 50 चेयर्स, 60 चेयर्स, 100 ऑफ चेयर्स है. मैं मुझे अगर इसको एक कमरे से, एक रूम से दूसरे रूम में लेकर के जाना है, तो बताओ हाउ मेनी मिनिमम चेयर कैन बी ट्रांसफर? बोलिए, मेरे पास 100 ऑफ चेयर्स है, मिनिमम कितनी चेयर को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ वन रूम से टू रूम के अंदर? एवरीवन वन वो जीरो जीरो चेयर दिखती है क्या? मिनिमम तो वही होता है, मतलब नहीं भी करो तो वो कॉम्पिटिशन. नहीं नहीं भाई, करनी है ट्रांसफर, करनी है जिसको बोल रहा हूँ मैं कि करना है. करना है का मतलब करना है, उधर कोई वेट कर रहा है आपका दूसरे रूम में, तो मिनिमम कितनी चेयर लेकर के जाया जा सकता है? वन. क्या हाफ चेयर ले जा सकते हैं? या हाफ चेयर ले जाने का कोई मीनिंग निकलेगा क्या? क्या हम हाफ चेयर ले गए? बोलिए. नहीं ना सर, मुझे आगे इसका मतलब याद. हाँ, अभी रुक जाओ. तो इसका मतलब है कि क्वांटा किसी भी चीज की, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, मैं हूं, आप हो, दुनिया की कोई सी भी चीज के लिए क्वांटा डिफाइन करना है. इसका मतलब हम ये समझेंगे कि वो कौन सा छोटे से छोटा अमाउंट है जिसको एक्चुअल में ट्रांसफर किया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड द क्वांटा ऑफ दैट थिंग. तो मैं पूछूं चेयर के लिए क्वांटा, चेयर्स के लिए क्वांटा क्या हो जाएगा? वन चेयर. ठीक है, इसी तरह से मैं पूछूं कि बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, किसी ने कहा मुझे 12.5 फ्लोर पे जाना है, 12.5 फ्लोर पे जाना है, होता है क्या ऐसा? कोई फ्लोर पॉसिबल है क्या? नो सर. नो सर. 12th फ्लोर के बाद 13th ही आएगा, फिर उसके बाद 14th ही आएगा. ठीक है, मेरे को ये एग्जांपल मत देना कोई भी कि सर अमेरिका में जाओ 12th फ्लोर के बाद डायरेक्ट 14th आता है, वो 13th बनाते ही नहीं. दैट इज वो उन्होंने नाम नहीं दिया, काउंटिंग में 13 ही आएगा, नेमिंग के अंदर वो 12 के बाद 14th लिख देते हैं, 12 के बाद 14th, बिकॉज़ दे बिलीव द 13 नंबर इज बेस्ड ऑन द घोस्ट नंबर. वो एक अलग कहानी. ठीक है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर. तो इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि साहब मेरे पास अभी स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं, या अभी मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं कितने लोगों को मिनिमम पढ़ाऊंगा? एक, दो, तीन. मिनिमम, मिनिमम हाउ मेनी स्टूडेंट्स शुड बी देयर इन द क्लास टू टीच? मिनिमम वन. समझ में आ गया? इसी तरह से मान लीजिए कि फिजिकल स्टूडेंट जब क्लासरूम के अंदर आ रहे हैं, तो वो जो स्टूडेंट आएगा वो कम से कम कितना स्टूडेंट होना चाहिए? वन स्टूडेंट. अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी पूरी बॉडी को काम में ले रहा हूँ, हाथ पांव को लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, मुझे पूरी बॉडी चाहिए. लेकिन स्टूडेंट को पढ़ने के लिए सिर्फ आंखें चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, यानी कि ऊपर का पोर्शन चाहिए. तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी रिमेनिंग पोर्शन को घर पे छोड़ करके आ जाए और बाकी का पोर्शन यहाँ पे रख ले, ये लो सर आधा स्टूडेंट आ गया आपके पास, या घर वाले चाकू से काट दे आधा स्टूडेंट, वहां ट्रांसफर कर दिया, बाकी को आधे को क्या करना है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. यानी कि अगर मैं पूछूं कि ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट मस्ट बी द क्वांटा फॉर ह्यूमन बीइंग, इसका इस लाइन को आप वर्डिंग में कैसे समझेंगे? क्वेश्चन मेरा है व्हाट इज द क्वांटा ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इसका मीनिंग आपको क्या रिकॉल करना है अपने माइंड में? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी ट्रांसफर्ड मिनिमम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? मिनिमम कितने ह्यूमन बीइंग को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर किया जा सकता है? आंसर विल बी वन ह्यूमन. मैंने कहा कि अब मुझे ये समझ, इतना समझ में आ गया क्या सभी को कि क्वांटा ऑफ एनीथिंग का मतलब क्या है? दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ दैट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड द क्वांटा ऑफ दैट थिंग. वो मिनिमम अमाउंट जिसको ट्रांसफर किया जा सके. तो बताइए ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम चार्ज कितना ट्रांसफर किया जा सकता है? मिनिमम
मान लीजिए एक आवर फंक्शन का मैं बी का जाता है तो ए से चार्ज का ट्रांसफर होना है बी की तरफ होना है, मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एवरी वन? 1.6 into 10। यहाँ पे ध्यान सर, 1.6 करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो देखो बाकी के लोगों पढ़ते भागो 1.6 into 10⁻¹⁹। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हो सकता है ना, बताओ ए से बी में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। एक आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा सकता ना, हाफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा सकता ना, इसका मतलब ए से, हाँ क्या बोलो, ए से बी पे क्या हाफ इलेक्ट्रॉन जा सकता है? क्या जाएगा? तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा पूरा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन ए से बी में जा सकते हैं बोलो? 1 इलेक्ट्रॉन। हाफ इलेक्ट्रॉन का तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता ना, नहीं होता ना? हाँ। इसका मतलब हुआ अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज की फॉर्म में, तो चार्ज के लिए क्वांटा ऑफ चार्ज क्या बोलना चाहिए? व्हाट मस्ट बी द क्वांटा ऑफ चार्ज? क्वांटा ऑफ चार्ज मींस 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यस और नो, जल्दी बोलो हाँ कि ना? यस सर। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻¹⁹। खुद सोचो, तुम लोग सब बोल रहे थे गधों की जैसे 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, ये 1 कूलम और ये 1.6, कौन बड़ा है बोलो? कौन बड़ा है? 1 कूलम। नीचे ले गया बोले तो 1.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0.00000000000016 कूलम। ये 1 कूलम से बड़ा है ये वैल्यू 0.00000016 1 कूलम से बड़ी है क्या? बोलो बड़ी है क्या? नो सर। नहीं है ना? तो इसका मतलब, और इससे छोटी क्या कोई वैल्यू पॉसिबल है? तो वैल्यूज तो पॉसिबल है, वैल्यू की बात नहीं कर रहे। क्या चार्ज की इससे छोटी कोई वैल्यू पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज किसके चार्ज के बराबर हो सकता है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कोई कहता नहीं नहीं सर मैं तो प्रोटॉन मानूंगा, अभी तो वो भी तो यही होता है, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन भी यही होता है मिनिमम। तो मिनिमम कोई सा भी चार्ज ट्रांसफर करो वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए? 1.6 into 10⁻¹⁹ कूलम की फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कितनों को समझ में आ गया। तो पहले अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछने से पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। तो जल्दी से बताइए आप सब लोग, मैंने बोला कि Q is equals to मिनिमम, अगर पूछूं Q मिनिमम तो मैं मुझे क्या लिखना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के बाद फिर कितना ट्रांसफर कर सकता हूं बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फिर बोलते जाओ 3, फिर 4, फिर 4, 5, लास्ट में क्या लिख दूं? Ne। तो इसका मतलब Q is equals to, आपने बोला Ne, तो ये N किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से, इंटीजर की रैशनल? इंटीजर। तो क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग मैं लिख दूं क्या? Q is equals to Ne। यस सर। यस, दिस इज कॉल्ड द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। Quantization of charge means charge is quantized in nature and it is the integral multiple of 1 इलेक्ट्रॉन of charge। N को क्या आप क्या बोल रहे हो? Integer ना? तो ये integer किससे multiply हो रहा है? E से। E का मतलब क्या है? Charge of 1 इलेक्ट्रॉन।
तो हमने इसको क्या पढ़ा, रीड क्या करेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्योंकि n इंटू e है तो इंटीग्रल तो हो गया n मल्टीपल ऑफ इंटू किसका, e चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. सो द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेज दैट चार्ज विल ऑलवेज बी ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसी की मल्टीपल की फॉर्म में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है और किसी भी डिफरेंट फॉर्म में नहीं. इतना कितनों को समझ में आ गया गिमिक थर्मशर? यस सर. क्वेश्चन बताइए, विथ चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनादर. ऑप्शन ए ये मेरी स्पेशलिटी थी, ए बी सी डी ई 7 8 9 10 गजब. और जस्ट वन मिनट अभी फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, 2.6 × 10⁻¹⁸ कूलम, और सिक्स्थ ये हो गया. जल्दी से आपको ये बताना है, आप इस क्वेश्चन को नोट करो, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम कंप्लीट करेंगे आप सब लोग, कि कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइसेस हैं, आप एक से ज्यादा टिक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऑलराइट एवरीवन, अपना अपना निकाल करके रखना आंसर और फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.